वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी खड़े हैं जी अमृतसर तारां वाले पुल के उत्ते, लेकिन एक होर बहुत वड्डा इतिहास की आप जी नाल इक सांझ पाउण जा रहे हैं जी। ये बिल्डिंग जिहड़ी हुण बनती जा रही है खंडर, और बहुत वड्डा इतिहास इस बिल्डिंग का गुरद्वारा साहब के नाल श्री दरबार साहब के नाल जुड़िया होया है। दरबार साहब के अंदर तुसी ने तीन खंभे लगे हुए वेखे सी, जो असी तीन खंभे लगे हुए विखाए सी भी इन्हां नूं बिजली सप्लाई हुंदी सी। ते सवाल आया सी भी बिजली कित्थों सप्लाई हुंदी सी, उदों तां जनरेटर नहीं सी हुंदे। लभ लिया जी असी उह जगह जिथे आ जनरेटर, और सब तो वड्डा जनरेटर है जी इत्थे। ये महाराजा बिक्रम सिंह ने जी इंग्लैंड तो लिया करके, ये उस समय दे देखो तुसी जो चलता सी इतों बिजली बनती सी, और तीन जनरेटर जिहड़े वड्डे। वध तो वध वीडियो शेयर करो जी, ताकि अपने विरसा का पता लगे भी किद्दां साढ़े महाराजिया ने काम किए ने, दरबार साहब के किद्दां बिजली आई है, किद्दां रोशनी लैके आने के लिए किन्ना संघर्ष करना पिया सी महाराजा बिक्रम सिंह नूं जी। तो बाबा जी बुला के लिया, तो असी आप जी दिखावांगे किद्दां चलदी सी ये बिजली, और ये तो घट्टो घट असी अपने बच्चों आके विखाइए। जिमें ठीक है, एक चीज़ा दर्शन करन वालियां हुंदियां ने, पर एक चीज़ा का किते ना किते साड़ी कौम दा साड़े महाराजियां दा सिखा ने किता कि वह संघर्ष जुड़िया हुंदा है। तो ये छोटे संघर्ष नहीं सी, कोई छोटा जिहा जनरेटर लगा के कह दिंदा जी मैं सेवा की है, और एक उदों वड्डे वड्डे जनरेटर होर दिखावांगे जी असी आप जी नूं। ते ये बिल्कुल तारा वाला पुल जिहड़ा है, ते उस पासे पुल है जी, उस पासे सड़क के दूजी पासे तो पंज सरोवरां नूं जल जांदा है। ते इस पासे जदों आपां जलंधर वालों आईए दिल्ली वालों आईए, ते नहर दा पुल चढ़न तो नहर दे पुल दे उत्ते बिल्कुल ही नहर दे नाल पुल टप्पण सार यह जगह पैंदी है जी। जे आप जी दोनों पासे की गल करोगे, एक पासे सज्जे हाथ दे विच जिहड़ी हंसली जाती है दरबार साहब सरोवरों में जल जाता, तो दूजे पासे ये जनरेटर। बाबा जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जनरेटर कदों लग्या जी उस समय? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। गुरु प्यारियो, जो जनरेटर ने इनू तारा वाला पुल कहते हैं, इनू सब तो पुरातन अपना सिख कौम का बिजली घर भी किया जाता है। कि अंदाजा 1896-97 राजा बिक्रम सिंह जी ने, जो फरीदकोट के राजा से फूलकियां वालों विचों, उन्होंने ये गुरु घर की श्रद्धा में आ के उन्हों की भावना सी कि जिवें कि हॉर्न के उस टाइम बिजली चालू हो गई सी, लेकिन इंडिया में नहीं हुई सी। राजे बिक्रम सिंह जी ने उन्होंने श्री दरबार साहब के सन्मुख हो के इतने बिजली घर लगवाया। सारा तुसी देख लो बाहरले पासे इतने पिछे पानी आता सी, और इतने सारा जो जनरेटर से 1897 के बिजली घर बना के इतों बिजली पैदा करके श्री दरबार साहब हरिमंदर साहब अमृतसर वास्ते वो चालू की गई। आप जी नूं पता ही है कि वह पुरातन खंभे उत्थे अज तक भी मौजूद हैं, जो पुराने जमाने के उस टाइम के जो खंभे लगाए गए थे। सो इतों भी बिजली तैयार हो के यही अज तक अंदाजा इनू 100 साल तो उपर हो गए ने, 125 साल के करीब, कि वह पुराने जमाने का अज तक स्ट्रक्चर खड़ा है। बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी है। तो साढ़े जो साढ़े लीडर ने, जे प्रबंधक ने, जे होर सत्कारयोग सिस्टम वाले ने, उन्होंने अज तक इनू संभालन या इनू चालू रखने विच कोई दिलचस्पी दिखाई। सो असी चाहते हैं कि जेकर दोबारा तो इतने थोड़ी बहुत बिजली चालू करके, भावें थोड़ी ही चालू हो, दोबारा दरबार साहब लई चालू हो, और ये पुरातन जो बिल्डिंग है यदि सांभ संभाल हो सके। सांभ संभाल होने के नाल इतने लोग देखने वास्ते भी आएंगे, और इतने ये चालू ही रहेगा, और गुरु घर की श्रद्धा ही बनी रहेगी, और करोड़ों का खर्चा बच जाऊगा। जी दरबार साहब नूं बिजली इस टाइम पर मुल लती जाती है, यानी कि वह करोड़ों का खर्चा बच सकता है। बचेगा जी अगर ये बिल्कुल सारा सिस्टम बनया होया जी, 100 साल पहला तो बनया, फिर उपरों चादर पैनिया ने, यह मशीनों की रिपेयर हो सकती है जी, क्योंकि ये तो लोहा गलन वाला है ही नहीं है। उस समय के ये देखो जिहड़े अंदर वो लगाए जाते थे कच के, ये मेरे हिसाब से हले भी निकल रहे हैं अंदरों, ये देखो जी गर्म होने को उपर पेंट किया गया, ये हले भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनू अगर ये तो बड़ा स्ट्रक्चर तो तैयार पै ही है 100 साल तो, पानी चालू है
सिर्फ पानी का रुख मोड़न की लोड़ है। जो पानी का रुख मुड़ गया तो ये पहला पंजाब का बिजली घर चालू हो जाएगा, बिजली खरीदने की लोड़ नहीं पैनी, सौरा दरबार साहब बिजली बिल्कुल फ्री आप वरत सकते हैं जी। तो असं बेनती करांगे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं और इतों के डिप्टी कमिश्नर नूं, साढ़े इतने के डिप्टी कमिश्नर बड़े नाइस ने, बड़े सुलझे हुए हैं, और जो बीबी जगीर कौर प्रधान श्रोमणी कमेटी वह भी सुलझी हुई है, जेकर इस पासे ध्यान देन इहदी जो साफ सफाई है होर कामां दी कार सेवा असीं तुहाडे सहयोग नाल करवा देंगे। लेकिन जे इहनूं तुसीं चालू कर दिओ असीं हर तरह का सारा सहयोग तो श्रोमणी कमेटी के डीसी प्रशासन का ही होना है, लेकिन असीं साफ सफाई विच और इहदा प्रबंध विच कोई कसर नहीं छड्डांगे, साफ सफाई असीं कर देंगे चालू तक कर देंगे, लेकिन वह साडा साथ देण और साडे नाल मिल के चलन। इस जगह की बेकदरी इतों जो समैकीए ने, जो अमले ने, जो दुनिया भर के इतने आ गए लफंगे इतने आ के तोड़ फोड़ कर दें, एक वो बचेगी और एक सामभ संभाल हो जाएगी, एक धरोहर बच जाएगी महाराजा की, साड़ी जो सारी पुरातनता वो चीज़ बच जाएगी और इतने बड़ा सुंदर चीज़ बन सकती है, शहर का मत्था है। जो शहर का मत्था ही चंगा ना होगा तो शहर से अं करेंगे। सो बेनती है साड़ी डिप्टी कमिश्नर साहब जी ने भी और श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी ने भी जे इस पास ध्यान देन यदि साफ सफाई और उन्हें चालू किया जाए। तो इतों बड़ा भी दिखाने जी असी मतलब कि बिजली जी है और सारा कुछ तैयार है, बनया होया है, मतलब कि अगर चालू हो जाती है तो ये सिख कौम का सब तो व्डा भला होएगा, साढ़े करोड़ों रुपया जोड़ा है वह बच जाएगा। तो हूँ तो इतने आगे फोटो शूटिंग की जाने ने ये देखो सारा सिस्टम जोड़ा है बिल्कुल, एक तो यह लग्या हुआ जनरेटर भी जो पानी जाता सीगा जी बिच दी, ये पुरातन लकड़ की जी है चगाठा साल की लकड़ दी है, बिल्कुल सही सलामत ने जी। जे लकड़ा कामयाब ने लोहा तो किन्ना तगड़ा कामयाब है जी। आप जी बापू जी इत रहे हो? ये जो बिजली घर जो चालू हो जाता तो किन्ना फायदा हो सकता? फायदा हो सकता वा। अच्छा जी अंबरसर का कुछ ना कुछ सुधार हो सकता अद्धे का। हाँ जी हाँ जी मैं कि अद्धे अमृतसर बिजली सप्लाई हो सकती है? ठीक जी ठीक जी। आप दरबार साहब वास्ते चालू कर ली बिजली, साड़ी अपनी बिजली तो होएगी घट्टो घट ना जी। बिल्कुल सब सही तरीके नाल जी, कुछ नहीं बिगड़िया है, साड़ी अपनी बिजली हो सकती है, साढ़े को अपने जनरेटर तैयार ने, बस इन्हों की सामभ संभालनी है। और देखो कुछ करन दी लोड़ नहीं है, डीसी साहब साढ़े कहते इतने बड़े सुलझे हुए ने, साडा मकसद है इन्होंने चीज़ों को ध्यान च लेके आना। अगर ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता, बिजली चालू हो जाती है, सिर्फ पानी का कुछ बिगड़ना नहीं है, जिहड़ा ये नहर का पानी है ये घूम के बस इनू घूमन की लोड़ है पानी नू, ए पानी जो घूमया पानी घूम के उस पासे नू गया बिजली घर दे विच दी पानी हुंदा होया, पानी फिर दूजे पासे चढ़ जाना और वह करोड़ां अरबां खरबां रुपया जिहड़ा हैगा वह दरबार साहब का अमृतसर का बच जाएगा, जिहड़ा अज साडा सिख संगतां का पैसा लगता है वह बच जाएगा, और उस दे नाल असीं होर बहुत वड्डे स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां खोल सकते हैं, अरबां खरबां की बिजली जिहड़ी है अगर वह बच जाएगी अगर इस जनरेटर नू जिहड़ा है संभाल लिया जाए चालू किया जाए, नहीं नहीं तो ये खंडर बन जाना। बाबा अमरीक सिंह जी उन्हां दी भी सोच यही है भी पुरानी चीज़ां नू सांभिया जाए। सो इहदे बारे तुहानू पता जी की चीज़ है? नहीं पता किथे रहने हो? तुहानू पता बेटा इहदे इतिहास का? बाकी इतिहास नहीं पता? ठीक ठीक जी। सो साडे यूथ नू भी असीं घट्टो घट इतिहास दसण जोगे रह जाएंगे, ये सिर्फ पानी उस पासे तो आके विच दी जिहड़ा है जनरेटरां दे विच दी निकलदा होया पानी जिहड़ा जदों चालू हो जाएगा, थोड़ा उपर चढ़ के भी मैं दिखा दिना आप जी नू किदां सारा सिस्टम तैयार है जी, बनिया बनाया सिस्टम है, बस सांभण दी लोड़ है जी। वध तों वध इस वीडियो नू शेयर किया जाए,
ते अपनी कौम की विरासत नूं जिहड़े चंगे सोच वाले वीर हैगे ने ओह इहदे बारे सोचण ते बाबा जी नाल तुसीं गल कर सकदे हो। फिर मैं बाबा जी नाल गल करां कि बाबा अमरीक सिंह जी आम परिवार विच्चों उठ के इस पासे जिन्हां ने अपना कोई डेरा नहीं बनाया हले तक, और दूजी गल जिन्नियां पुरातन चीज़ां ने बाबा जी कहिंदे ओह मैं सांभ के रखांगा, उहनूं तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी, लोड़ ते ही चीज़ां बनाई जाणगियां। बाबा जी आप जी दा नंबर दास दा नंबर 98725200798725250507। सो ये बाबा जी दा नंबर है ते अरबां खरबां रुपया कौम दा लेखे लग सकदा जी। साडी 24 घंटे बिजली सप्लाई जिहड़ी है ਉਹ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।